जैसा कि आपने वीडियो के 10th पार्ट में देखा कि अवि डॉक्टर अदिति को घर ले आता है और साथ ही पीहू और दिशु डॉक्टर अदिति को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो मौसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह हिमांशी को कॉल करके बुला लेती है। क्या होगा आगे जानने के लिए देखते हैं वीडियो का 11th पार्ट। कितना काम होता है तुम्हारे घर में, पूरा दिन काम काम काम। कॉफी कहाँ गई मेरी? दिशु एक काम कर बेटा, कॉफी ले आ मेरी किचन से, आराम से ले जा। ओहो कितना गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। अरे बेटा ये तो बहुत गर्म कॉफी है, कहाँ लेके जा रहे हो? मौसी के लिए। आप रुको मैं दे आती हूँ। कॉफी चारू आप खुद ले लेते, कॉफी कॉफी बहुत गर्म थी, बच्चे के हाथ जल जाते। तो इतनी भी गर्म नहीं है। हमारे घर में हमें सिखाएंगे हमें क्या करना है, बेकार लोग। बढ़िया ही, मुझे लेक्चर देने वाली। मुझे नहीं पता क्या हमारी नहीं लगती क्या दिशु कुछ कि गर्म लाना है या ठंडा लाना है। एक बार दीदी आ जाए फिर इसे बताती हूँ उस डॉक्टर को, मेरे ही घर में रह रही है और मेरे को ही ज्ञान दे रही है। दीदी आ जाए फिर पता लगेगा इसको ज्ञान क्या होता है। चारू दीदी आ गई। चारू दीदी आप आ गई, आपकी बहुत लंबी उम्र है, मैं बस अभी आपका ही वेट कर रही थी कि कब आओगे आप। यार मैं तुझे क्या ही बताऊं, इतनी मुश्किल से आई हूँ ना, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ था ना कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रहा था, फाइनली अपने घर में आ गई। हाँ, मुझे बहुत लग रहा था कब आओगे। पीहू नहीं दिख रही, पीहू पीहू पता है कहाँ है? वो डॉक्टर हमारे घर जो रह रही है उसके बेटे के साथ उसके किसी रिलेटिव के बर्थडे में गई है, और गई थी उसके बाद फिर वो लॉकडाउन वगैरह लग गया, दोनों वहीं फंस गए हैं। मम्मी आप आ गए? दिख नहीं रही, ये मम्मी बैठी है, बाद में बात कर लियो, अभी थकी है मम्मी, जा खेल ले। क्या हुआ तुझे? यहाँ होते ना तब पता लगता कि क्या क्या हुआ है। जो डॉक्टर और उसकी बेटी यहाँ आके बैठ गई है उसको तो लग रहा है ये पूरा घर उसी का है, पूरा दिन बस काम काम का लोड देते हैं, और ये ऐसे चिपकी रहती है उस डॉक्टर पे और पीहू, दोनों उस डॉक्टर के पूरा दिन चिपकी रहती हैं, कभी ये बना दो कभी वो बना दो, पूरा दिन काम काम का लोड दे रखा है। और ये भी चली जाती है वो बर्थडे मनाने, वो तो मैंने इसको रोक लिया कि मेरी काम में थोड़ी हेल्प कर देगी, तो सारा लोड दीदी मेरे सिर पे आया हुआ है। तू टेंशन मत ले, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं देखती हूँ इस डॉक्टर को। अरे हिमांशी आपका भाई। हाँ जी जस्ट अभी आई हूँ। आप दोनों बातें करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। अच्छा वो तुम आ गई हिमांशी, बच्चे बड़ा मिस कर रहे थे यार आपको। हाँ बच्चे ही मिस करेंगे, अब बच्चों के डैडी तो मिस करेंगे नहीं, उनके लिए तो डॉक्टर जो आई हुई है। क्या यार हिमांशी तुम भी मजाक कर रही हो। चलो ठीक है आप बैठो, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आती हूँ। दीदी देखो ऐसे ही ना ये दिशु पूरा दिन इस डॉक्टर के चिपकी रहती है, और दिशु क्या वो पीहू भी चिपकी रहती है, बस मेरे को तो ये डर है कि डॉक्टर की बेटी अपनी पीहू के कान ना भर दे, माँ जो लेके गई है उसको। तो सही कह रही है, मैं एक बार पीहू को फोन कर लेती हूँ। करो करो। हेलो पीहू बेटा, मम्मा घर पे आई है और आप चले गए, क्यों गए हो आप वहाँ पर? अच्छा ठीक है मैं पापा को भेजती हूँ एक दो दिन में आपको लेने के लिए, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है ना। ठीक है। आंटी आपके एक बात बताऊँ, आप बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत प्यारे हो। सुबह से देख रही हूँ इसको, ये बहुत चिपकी हुई है इससे। दिशु। हाँ मम्मी। एक बात बताओ तेरी माँ वो है या मैं हूँ? तेरे को ये नहीं पता सुबह से तेरी माँ आई हुई है, तुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि अपनी माँ के पास आ जाए, सुबह से उसकी गोदी में पड़ी हुई है। तुझे ये नहीं पता मैं सुबह से सफर से आई हूँ, कितनी थकी हुई हूँ, सर में दर्द हो रहा है मेरा, अंदर चल के सर दबा मेरा। नहीं ये क्यों सर दबाएगी, ये तो डॉक्टर की गोदी में लेटी रहेगी, इसने बहुत दिमाग खराब किया मेरा भी आपके जाने के बाद। चल अंदर का ध्यान रख थोड़ा। हेलो गाइस, मैं आपको एक बहुत अमेजिंग गेमिंग ऐप पॉकेट लूडो के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंडिया की सबसे ट्रस्टेड और नंबर 1 लूडो गेम है,
साथ ही इसके मार्केट में बहुत ही कम लोवेस्ट चार्जेस हैं। इसमें आपको डेली और मंथली लीडरशिप बोनस मिलता है और साथ ही इसमें इंस्टेंट विड्रॉल है। ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट लूडो गेम है जो रजिस्टर्ड है एनेवा गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अंडर कंपनी एक्ट 2013 से। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और इसकी आदत लग सकती है, तो कृपया करके अपनी जिम्मेदारी पर खेलें, ओनली फॉर 18+। तो गाइस अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक से डाउनलोड करिए पॉकेट लूडो और खेलना शुरू कीजिए। दीदी के लगता है सर दर्द काफी बढ़ गया है, कॉफी बना देती हूँ, ऐसा करती हूँ। दीदी कॉफी ब्लैक इज योर व्हाइट इज माइन, माय दीदी ऑलवेज नॉट फाइन, है ना? क्या हो गया? दिशु कहाँ गई है? लेटी पड़ी होगी वहीं पर डॉक्टर के पास। ऐसे ही चलता रहता है आपके जाने के बाद से। अरे सब्ट्रैक्शन ये तो बहुत इजी होती है, देखो मैं सिखाती हूँ। आंटी वाओ ये तो बहुत इजी है ना? चलो अब ये सॉल्व करके दिखाओ। देखा जिस हिसाब से ये इस डॉक्टर के चिपकी रहती है ना, मुझे तो यही डर है कि यहाँ पर इसको अपनी मम्मी बना के ना रख ले। संभाल लो हिमांशी। यार वो देखना जरा बाहर लैपटॉप पड़ा होगा सोफे पे मेरा, जरा ले आना। मुझे ये बताओ कि ये कब जाएगी यहाँ से? कौन? और कौन ये डॉक्टर? हिमांशी समझा करो यार, अभी लॉकडाउन है, ऐसे में कहाँ भेज दूँ मैं उसको, थोड़ा लॉकडाउन खुलने दो यार। और वैसे भी ना मैंने एक दो जनों से बात कर रखी है, और प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, सुन लेगी तो। आपने वो फ्लैट की बात? हाँ दीदी मैंने करी यार एक दो जनों से बात, तो जैसे भी हो जाएगा वो बता देंगे, आपको पता है लॉकडाउन है यार, वरना अभी तक तो हो जाता अरेंजमेंट। अच्छा वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रही थी, एक्चुअली वो काफी दिन हो गए थे ना, तो इसलिए। कोई बात नहीं टेंशन मत लो, हो जाएगा। आंटी आपको पता है मुझको मेकअप करना बहुत पसंद है। अच्छा मेकअप करना पसंद है आपको, चलो तो फिर हम आज आपका मेकअप करते हैं, ठीक है? मैं अभी सामान लेके आती हूँ, यहीं बैठो। देखना आज हमारी दिशु कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। देख रहे हो क्या दुल्हन बन रही है बैठ के? आप एकदम प्रिंसेस लग रहे हो। आंटी आप इतने अच्छे हो, काश आप मेरी मम्मी होते। देखा आपने कैसे कह रही है कि मैं आपको मम्मी ना बना लूं यहाँ पे, मैं कह रही हूँ आपका पत्ता कटवाने की फिराक में है। इसे ना प्यार रास नहीं आ रहा मेरा। आंटी मैं मम्मी को दिखा के आ रही हूँ। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम चुड़ैल लग रही है तू। काली है काली लगेगी, ये लाल पीला रंग ऊपर लगवा लिया इसे क्या तू सुंदर बन जाएगी? और हाँ तू क्या कह रही थी कि आप ही मेरी मम्मी बन जाओ, ये इतने सालों से दीदी तुझे पाल रही है, वो 2 मिनट उसने रंग पोत दिया तो तुझे मम्मी नजर आने लग गई उसमें। तेरा बैग भी उसी के साथ पैक करो, बड़ा तेरे को मम्मी नजर आ रही है उसमें, उसी के साथ जा तू भी। नहीं मौसी। चारू देख तेरे जीजू। दिशु कितनी प्यारी लग रही है बेटा, जा बाहर खेल ले जा। अदिति आपके फ्लैट के लिए मैंने बात कर ली है, तो चलो फिर देखने चलते हैं। हाँ ठीक है। देखा जाने की बात हो रही है डॉक्टर के, बढ़िया अभी चली जाएगी। अदिति चले चलो। आंटी प्लीज मत जाओ, आंटी प्लीज मत जाओ, मेरे को आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है, प्लीज आंटी प्लीज मत जाओ ना, मेरे को आपके साथ रहना है प्लीज। अदिति आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहोगे हमेशा। हाँ हमेशा।
हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट जरूर करके बताना और लाइक शेयर जरूर करना, और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। और साथ ही गाइस, अगर आपको उसका 12th पार्ट चाहिए तो भी हमें कमेंट करना, और पॉकेट लूडो गेम डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।